सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शानी सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपकी बात मेरे साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि देश की सरहद की तो निगरानी करते ही करते हैं, लेकिन जब भी वो अपने गांव छुट्टियों पर आते हैं तो अपनी जो भी छुट्टी होती हैं उनको समाज के नाम कर देते हैं। यहाँ पर जब भी हमारा वीकेंड आता है तो उस वीकेंड को इन्जॉय करने के लिए हम एक हफ्ते पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जब वीकेंड आता है तो हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अपने परिवार को मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं, और अगर उस वीकेंड हमें जॉब के लिए या ऑफिस में जाना पड़ता है तो वो दिन हमारे लिए किसी भी एक श्राप से कम नहीं होता है। हम सोचते हैं यार कैसी हमारी ज़िंदगी है कि हमें हफ्ते में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जो कि देश की निगरानी करने के साथ साथ जब भी वो छुट्टी के लिए अपने घर आता है अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़ समाज की सेवा में जुट जाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। सर सबसे पहले हम जानेंगे आपकी कहानी, आप ही की जुबानी। मैं फौजी ललित कुमार, गाँव बूढ़ा का हाल निवास जट्टारी, फिलहाल फौज में हूँ। 21 साल 7 महीने नौकरी है। यूनिट है 25 ग्रेनेडियर्स, जो कि मेरी पोस्टिंग इस समय ग्वालियर में है। मैं सन 1997 10 मार्च को सेना में भर्ती हुआ था। 2010 में एक ऐसा वाक्या हुआ जिसको देखकर मुझे लगा कि अब मुझे मेरा घर छोड़ना चाहिए और समाज के अंदर जाके अपने युवा भाइयों को अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। देखिए सर, अभी आप सरहद की निगरानी कर रहे हैं तो सरहद की निगरानी करना भी एक समाज की सेवा ही है। आप हमारी यहाँ जो देश में हमारे जो लोग रह रहे हैं आप उनकी रक्षा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप किस तरीके से इतना समय निकाल पाते हैं? देखिए, ज़िंदगी पता नहीं कितने योनियों के बाद में मिली है हमें, और उतनी योनियों के बाद में इंसान की ज़िंदगी को हम अपने ही घर में बिता दें चार दीवारी के अंदर या सेना की नौकरी करके बिता दें तो ज़िंदगी शायद हमारी नज़र में ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी तो तब है जब हम भगवान के द्वारा पैदा किए गए इंसान की मदद करके, इंसान का सहारा बनके, इंसानों के हाथ बनके उनको मदद करें, उनके घर की दुख तकलीफ़ों को मदद करें, उनको कहीं सहारा दें, तब तो हमने इंसान का जन्म लिया। नहीं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि हमने धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पे जो अपने बच्चों पे अपने परिवार में ही लुटा दी, समाज की कभी सेवा नहीं करी। तो सर किस तरीके से आप समाज की सेवा कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, 2010 में एक ऐसा वाक्या देखा था। 8 साल का बच्चा, दोबारा सुने, सिर्फ 8 साल का बच्चा हरियाणा से लाई हुई जो थैली है जो 35 रुपए की आती है दारू की, वो उसे पी रहा था। उसकी माँ ने मुझे कहा, उससे पहले मैं आपसे बताऊँ, मैं केवल बहन बेटियों को दो ही नाम से कहता हूँ, या तो माँ या दीदी, बीच में मेरा कोई और संबंध नहीं है। तो उसकी माँ ने मुझसे कहा, बोले बेटा फौजी तो इसकी दारू नहीं बंद करा सकता। मैंने उसे कहा, माँ मैं फौजी आदमी हूँ, मैं एक महीने की छुट्टी आता हूँ, मैं मेरे बच्चे पालूँ या आपके बच्चे की दारू छुड़ाऊँ? उसने कहा, बोले नहीं बेटा, फौजी तो ही दारू छुड़वाएगा। बोले माँ मेरे का चार हाथ हैं या मेरे चार टांग हैं? उसने कहा, मुझे नहीं पता, तो ही छुड़वाएगा। तो उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे दिल में लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि अब तेरे को घर छोड़ना पड़ेगा। और दारू छुड़ाने के लिए फैक्ट्री तो बंद करा नहीं सकता, सरकार पे दबाव नहीं डाल सकता, तो सीधी सी बात है कि दारू पीने वाले बंद कर दिए जाएँ तो दारू अपने आप बंद हो जाएगी। उसी दिन से मैंने अपना घर छोड़ दिया। 2010 से 2014 तक ये काम मेरा थोड़ा धीरे चला, छुट्टी आता था, कम समय देता था, लेकिन 2014 से आज 2 अक्टूबर 2018 तक का ये मेरा दिन है। मैं जब भी छुट्टी आता हूँ उसमें शायद 6 दिन अपने घर को देता हूँ, एक महीने में 24 दिन मैं समाज में लगाता हूँ। अब लगा लीजिए मल्टीप्लाई बाई 90 दिन में कितना दिन मैं समाज को सेवा करी, कितना दिन मैं घर रहा। और इससे बड़ी बात यह है कि मुझे समाज घर की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बीवी मुझे ऐसी मिल गई जो मेरे ही विचारों से है, मुझे इतना मोटिवेट करती है, उसी की देन है कि मैं इस समाज सेवा कर रहा हूँ। नहीं तो फौजियों की बीवी ऐसी होती हैं घर के अंदर कैद कर लेती हैं और घर से बाहर नहीं जान देती, क्योंकि फौजी का परिवार सिर्फ अपना घर ही होता है, उसके अलावा समाज में उससे कोई संबंध नहीं है। छुट्टी आता है और जाता है, तभी फौजी दिखाई देता है, बीच में दिखाई नहीं देता। तो सर किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, उन्हें किस तरीके से जागरूक करते हैं, क्या क्या विषयों पे आप जो लोगों को जागरूक करते हैं, समाज सेवा का क्या तरीका होता है आपका? देखिए, पहले तो मैं साइकिल से शुरुआत करी थी। मैं साइकिल पे जाता था गांव-गांव, जो मेरे गांव से करीब 10 किलोमीटर का एरिया था, मैंने अपनी साइकिल से कवर किया था। गांव में जाना,
यदि मंदिर है, मस्जिद है, तो उसके माइक पर जाके अनाउंस कर देना। और वहाँ थोड़ा सा मैं एक झूठ बोलता था, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा लालची है, उस लालची को मैंने अपना हथियार बनाया और थोड़ा सा झूठ बोल देना कि आपके लिए कोई स्कीम है, भारत सरकार ने कोई योजना निकाली है, उस लालच में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद फिर मेरा काम है माइंड वॉश करना, जैसे कि पाकिस्तान आतंकवादियों का माइंड वॉश करता है, उसी की रणनीति के तहत मैं समाज के अंदर लोगों को इकट्ठा करके, करीब 2 घंटे का मेरा मीटिंग होती है, 2 घंटे तक किसी को पता नहीं होता कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। मेरी 5 बातें होती हैं। पहली बात है नशा, जो कि 2 घंटे से जो लोग बैठे हैं किसी को पता ही नहीं है कि नशा के ऊपर बात करने वाला है। अगली चीज़ है बिजली, हम इतना बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी पंखा कूलर एसी टीवी ऐसे चलते रहते हैं, हम बंद नहीं करते। इसके बाद में पानी, आज वो दिन है शायद, या अभी सरकार समझेगी तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सरकार को ये समरसेबल बंद करने पड़ेंगे। जब तक समरसेबल बंद नहीं होंगे पानी पर रोकथाम नहीं लग सकती, हम चाहे कितना ही जागरूक करें इंसान नहीं मानता। आज मोटरसाइकिल धोने में जहाँ 1 मिनट लगना चाहिए, आधा आधा घंटे में लोग मोटरसाइकिल धोते हैं। पानी के ऊपर विषय हमारी बात चल रही है। अगली चीज़ पेड़, हम पानी इतना बर्बाद कर रहे हैं, एक तरफ पेड़ नहीं लगा रहे। अब दिन सोचिए, यदि आज के 15 साल की बात करें या 20 साल की बात करें, जब पेड़ धरा पे नहीं होंगे, ज़मीन में पानी नहीं होगा, तो शायद त्राही त्राही मच जाएगी। हमें तो ऐसा लगता है शायद आने वाला समय तृतीय युद्ध कहीं पानी के ऊपर ना हो जाए। इसलिए मेन मुद्दा है पानी, फिर पेड़ है, इसके बाद में है मोटरसाइकिल। आज हमारी युवा पीढ़ी घर वालों से बच करके जैसे ही बाइक हाथ में आती है, हर बाइक इतनी फास्ट है कि कोई भी बाइक की स्पीड 3 सेकंड में 2 सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ती है, और जिसके कारण से हमारे अनचाहे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप हेलमेट लगाएं और मोटरसाइकिल मैक्सिमम 45 से 50 पे चलाएं। ये बात क्या आपको नहीं लगता कि जैसे जो बाइक जो बच्चे चलाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आजकल जो घटनाएं दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं माता पिता का भी योगदान नहीं रहता है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, माता पिता का योगदान है। जो बच्चे अभी उसके लायक नहीं थे, उनको उससे पहले चाबी थमा देना, या बच्चे ने जैसे ही 10वीं करी या 8वीं करी उसको मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देना, या इतना केयरलेस हो जाना कि बच्चा क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान ना देना, ये भी एक बड़ा कारण है एक्सीडेंटों का होने का। अच्छा, अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन, अभी जैसे यहाँ पे बाइक है या कार की जो ड्राइविंग चल रही है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, खास करके मैं अगर अलीगढ़ की बात करूँ, अलीगढ़ ज़िले की बात करूँ, तो यहाँ का जो प्रशासन है वो इस व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा लचीला नज़र आता है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी बाइक को लेके घूम रहे हैं, लोग हेलमेट नहीं लगा के जा रहे हैं, उनके पास गाड़ी के कागज़ हैं या नहीं है, तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ का प्रशासन जो है लचीला है, चालान की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा कम रहती है। अगर पुलिस चाहे तो क्या इस पर रोक नहीं लग सकती है? हाँ, लग सकती है। यदि जो पुलिस की जो वैकेंसियाँ हैं, जितने पुलिस के अंदर जो ऑथराइज पर्सन है, एक कितने के ऊपर कितना एक पुलिस वाला होना चाहिए, उस तरीके से यदि उनकी वैकेंसी पूरी हो जाए तो रोकथाम लग सकती है 100%। है क्या कि जितना पुलिस होना चाहिए उतना पुलिस प्रशासन नहीं है। कारण क्या है कि हमारा देश एक ही स्कीम के ऊपर बार बार पैसा खर्च करता रहता है, जिस कारण से वो वैकेंसियाँ पूरी नहीं हो रही हैं, पुलिस वाले कम हैं, पुलिस वाले जी जान लगाते हैं इसके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कम नफरी होने के कारण, कम मैन पावर होने के कारण वो हार जाते हैं। फिर उन पर ब्लेम लगता है कि पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस वाले काम कर रहे हैं। इसका दर्द हमने समझा है, शायद जो समाज में लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि जिसके कांटा लगता है दर्द वही समझ सकता है। पुलिस वाले का दर्द पुलिस वाला जानता है, 24 घंटे में शायद रोटी भी नहीं खाता वो कई बार। इसका दर्द हमने देखा है, क्योंकि मैं 865 गाँव घूमा अभी तक, मैंने इतने पुलिस वाले देखे हैं जो कितनों से मेरी बात होती है इस विषय में, तो फौजी भाई आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अभी खाना नहीं खाया। मैंने ऐसे ऐसे पुलिस वाले देखे, उनको देख के आँख से आँसू आ जाता है। सारे पुलिस वाले हरामी नहीं हैं, 100 में से 1-2% मैं कहता नहीं, बाकी इतना प्रशासन हमारा ख़राब नहीं है। आज हमारा प्रशासन काफ़ी समझ गया है, और पुलिस वाले भी बहुत लोग कोऑपरेट करते हैं। बस नफरी कम होने के कारण ये हमें लगता है कि हेलमेट क्यों नहीं है, चालान क्यों नहीं कट रहा, क्यों नफरी कम है तो वो कहाँ कहाँ से काबू करेंगे। और ये मेन विषय है कि उनकी नफरी पूरी होनी चाहिए यदि प्रशासन को मजबूत करना है तो। चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप समाज के लिए आपका कोई संदेश जो आप देना चाहते हैं। एक ही संदेश है बस, जो लोग ये चाहते हों, मेरे माँ बाप की, मेरे गांव की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे देश की तरक्की हो जाए, बिना पैसे के, बिना कर्म करे हुए, बिना जुबान हिलाए हुए, कोई कर्म ना करना पड़े, जुबान हिलानी ना पड़े, और कहीं कोई पैसे का खर्चा ना हो, तो सिर्फ दुनिया में एक ही काम है, नशा छोड़ दीजिए, आपका समाज मजबूत हो जाएगा, आपका नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, और हमारे देश का नाम होगा। अगली बात, ये जो 4 चीज़ें हैं, हम पानी बचाएं,
पेड़ लगाएं। हर आदमी को ये आज एक कसम खानी चाहिए अपने आप से कि भाई मैं पूरी उम्र में कम से कम 10 पेड़ तो लगाऊंगा। ये कितने ही लोग ऐसे हैं जो पूरी उम्र भर एक पेड़ नहीं लगाते, और यदि उनसे पूछा जाए कितने पेड़ काट दिए तो शायद पूरे घर के दरवाजे सौयों पेड़ काट के बनाए होंगे, पर कोई पेड़ नहीं लगाता। वही जो लगाते हैं वही लगाते रहते हैं, और हमारे जैसे केवल नालायक पेड़ काटेंगे जरूर पर पेड़ नहीं लगाते। पानी बचाने में इतनी लापरवाही है, जहां हम एक बाल्टी से नहा सकते हैं वहां हजारों लीटर बाल्टी समरसेबल चला के बहा देते हैं। तो एक ही संदेश है, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, बिजली बचाएं, और मोटरसाइकिल हेलमेट लगा करके 45 से 50 पर चलाएं। इतना कर लीजिए, आपका देश मजबूत, आपका समाज मजबूत, और वो घर में दीपक कभी नहीं बुझेगा जिस घर का दीपक माता पिता ने बड़े सींच अनुमानों से पाला है। ये हमारा संदेश है जी। देश को मजबूत करना है, अपने समाज को मजबूत करना है, तो बस नशा बंद कर दीजिए, नशे को छोड़ दीजिए, और वाकई में आपका जो देश है समृद्ध खुशहाल हो जाएगा। सहयोगी पुनीत गोयल के साथ कैलाश गोयल, सक्षम न्यूज इंडिया, अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।